लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्ते। लाहौर की बात चल रही है, देश में राजनीति की बात हो रही, चुनाव का समय है, क्या लग रहा है? कलाकार के लिए हर दिन लहर होता है। मैं कलाकार हूं और कलाकार के लिए कोई लहर की जरूरत नहीं है, उसकी जनता ही उसकी लहर है। भाई भोजपुरी कलाकार भी चुनाव में पवन सिंह अकेले ही चुनाव में चले गए हैं, बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया। अकेला कहाँ है, वो पूरी बिहार की जनता उनके साथ है और हमारे क्षेत्र के कलाकार हैं, बिहार के शेर हैं वो और बिहार के राजा हैं और वो जीतेंगे, हमारी विश्वास है, क्योंकि जिसके साथ जनता होती है उसी के पास पूरी साम्राज्य होती है। खेसारी जी का कैसा समर्थन है पवन जी को? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा समर्थन जहाँ तक है, जहाँ कलाकारी की बात आती है, वो आदमी कहीं ना कहीं अपने भोजपुरी भाषा को बहुत बड़ा किया है, तो हमेशा उनके साथ हमारी संवेदना भी रहेगी, हमारी सहयोग भी रहेगा, हमारा हमेशा सम्मान भी उनके लिए रहेगा और सहयोग हर चीज़ रहेगा। बीजेपी ने उन्हें नकार दिया, पार्टी से निकाल दिया, इस पर कुछ कहिएगा? देखिए, एक पुराने वर्कर को काफ़ी समय से वो जुड़े हुए थे बीजेपी से। एक कलाकार के लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखता है और किसी पार्टी के भरोसे कमज़ोर लोग आते हैं। हमारा बिहार का शेर आदमी है, वो अकेला ही राजा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जा रहा हूँ, बिल्कुल जा रहा हूँ। रोड शो होगा, हेलीकॉप्टर शो होगा, दुनिया का जो भी शो होगा सारा हो जाएगा। भोजपुरी भाषा कभी बटा नहीं है, हम सब एक ही हैं। ये चुनाव के माहौल में कुछ लोग इसको बांट दे अलग विषय, बट भाषा कभी बटता नहीं है, बोलने वाले हम ही हैं, आप ही हैं। मगर मनोज तिवारी ने हलवा, सभी लोग वहाँ पे मनोज तिवारी को अकेले छोड़कर रह गए और पवन सिंह जी को अकेले छोड़ दिया। अरे नहीं, पवन भैया अकेला कहाँ है, उनके पास पूरा साम्राज्य है, आज बिहार की जनता है, वो आदमी अकेला नहीं है और वो अकेला ही काफी है। अपने भाषा के लिए इतना कुछ काम उन्होंने किया। एक तरफ बड़े बड़े नेता हैं, एक तरफ देखिए नेता में और बेटा में बड़ा फर्क होता है। पवन सिंह बिहार का बेटा है, कोई नेता बने अलग विषय है। बेटा जीतेगा, बिल्कुल जीते ना है उनको जितना। अमित शाह भी जा रहे हैं सभा करने। देखिए, हमारे लिए सम्मानित हैं, सम्मानित है, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है, हम अपने हिसाब से जीवन को चलाते हैं। पवन सिंह जी, देखिए कौन भारी पड़ेगा, कौन कमजोर पड़ेगा, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। कॉम्पिटेंट पवन सिंह को जीतना है, ये मैं जानता हूँ। तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हो, कह रहे कि बिहार के युवाओं को नौकरी मिले, क्या लगता है 24 में रंग बदल जाएगा? नीचे करना नहीं, बिल्कुल देखिए बदलना चाहिए, बिहार की जनता को तय करना है। हम तो एक कलाकार है, हम तो संगीत के माध्यम से बातें कर सकते हैं और बिहार को बदलना है नहीं, ये तो नेताओं का काम होता है। मैं तो बस संगीत में बदल सकता हूँ, संगीत में अपनी चीज़ों को बड़ा, मेरी एक रंगदे बसंती सिनेमा आ रही है जो कि बहुत बेहतर तरीके से, तो मैं जहाँ हूँ वहीं कोशिश करता हूँ। तेजस्वी का बदलाव का जो माहौल है वो काम आएगा बिहार में, कुछ बदलाव दिखेगा? बिल्कुल, लोगों को अगर लगता है कि उन्होंने बदला है तो बदलना चाहिए। लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव है, क्या खेसारी लाल भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ेंगे? मैं अपनी जिंदगी से खुद ही लड़ रहा हूँ अपने भाषा के लिए, काहे के हमको फंसा रहे हैं आप लोग इधर, जब सब लोग इधर ही आ जाएंगे तो भाई अपने भोजपुरी भाषा का भी तो कुछ गरिमा बचना चाहिए कि नहीं? तो मैं अपने भाषा के लिए काम कर रहा हूँ, बाकी हमारे भाई कर ही रहे। लव यू ऑल, थैंक यू। लाइव न्यूज़ खबर तो पक्की है।